सिर्फ अपने कान खुले रख और मैं जो सोचता हूँ वो सुन बस। ये हमको भी सोचने का मौका दो भाई। चले तुम्हारी इज्जत नहीं है मेरी इज्जत का तो कुछ सोचो। तो लोग उंगली नहीं उठा पाएंगे कि हम लोग ने इस पिक्चर को उठा दें। और खबरें आ रही हैं कि 2006 में रिलीज हुई भागम भाग मूवी का बहुत ही जल्द सीक्वल बनने वाला है। सुनील शेट्टी ने भागम भाग 2 को लेकर काफी बड़ी अपडेट दे दी है। सुनील शेट्टी ने कहा बहुत ही जल्द वो भागम भाग 2 मूवी पर काम शुरू कर देंगे, जिसके बाद बहुत ही जल्दी ऑडियंस को यह फिल्म सिनेमा हॉल्स पर देखने को मिल जाएगी। वैसे भागम भाग मूवी 2006 में रिलीज हुई थी जिसने लोगों को खूब हंसाया था और तभी से ऑडियंस मांग कर रही थी कि इसका सीक्वल आना चाहिए। पर अब जाकर खबरें आ रही हैं कि भागम भाग मूवी का सीक्वल भी बनेगा और बहुत ही जल्द बनेगा। फिल्म को लेकर खबरें आ रही है कि फिल्म के स्टार कास्ट में भी काफी बड़ा बदलाव हो सकता है। भागम भाग मूवी के फर्स्ट पार्ट में हमें अक्षय कुमार, परेश रावल और गोविंदा देखने को मिले थे और अब की बार हो सकता है कि फिल्म में हमें गोविंदा और अक्षय कुमार की जोड़ी ना देखने को मिले। वहीं आपको बता दें कि भागम भाग मूवी को 2006 में सुनील शेट्टी ने प्रोड्यूस किया था और अब खबरें आ रही है कि सुनील शेट्टी इस फिल्म में खुद एक अहम किरदार निभाने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो हमें हेरा फेरी की तरह ही इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिगड़ी कमाल करते हुए दिखाई देने वाली है और इन तीनों की जोड़ी लोगों को काफी पसंद है और लोग इन तीनों को एक साथ देखना भी चाहते हैं। पर अभी इसको लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। जब तक फिल्म की कास्टिंग को लेकर कोई बड़ी अपडेट सामने नहीं आ जाती तब तक हम बस अनुमान लगा सकते हैं। सुनील शेट्टी ने एक और खुलासा किया है कि इस बार भी भागम भाग मूवी के सीक्वल को प्रियदर्शन ही डायरेक्ट करेंगे। भागम भाग मूवी एक ऐसी मूवी है जिसकी जबरदस्त स्टोरी और फिल्म की मजेदार कास्टिंग है और लोगों ने भी फिल्म को भरपूर प्यार दिया। अब देखना तो ये होगा कि प्रियदर्शन अब की बार हम सबके लिए क्या लेकर आते हैं और क्या फिल्म को भी अपने पहले पार्ट की तरह ही लोगों से उतना प्यार मिल पाता है या नहीं, ये देखना भी बड़ा मजेदार होगा। वैसे सभी के मन में ये सवाल है कि फिल्म हमें कब तक देखने को मिल जाएगी। खैर अभी तो इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है पर अभी फिल्म के स्टोरी पर काम चल रहा है। स्टोरी कंप्लीट होने के बाद फिल्म की कास्टिंग को पूरा किया जाएगा जिसके बाद फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। फिल्म की शूटिंग में भी लगभग 6 से 7 महीने का समय तो लगेगा ही और अगर 2024 तक भी फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है तो ये फिल्म हमें 2024 के लास्ट में या फिर 2025 के मिड में देखने को मिल सकती है। खैर तब तक के लिए हमें थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। सभी लोग फिल्म की स्टोरी जानने के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि फिल्म की स्टोरी से ही पता चलेगा कि फिल्म कैसी है। वैसे एक बात तो पक्की है कि फिल्म एंटरटेनमेंट से भरी हुई फिल्म होने वाली है और फिल्म में हमें कॉमेडी की जबरदस्त कास्टिंग देखने को मिलने वाली है तो फिल्म में कॉमेडी तो भरपूर होगी। अब देखना तो ये होगा कि मेकर्स ने इस फिल्म के बारे में क्या सोच कर रखा हुआ है और क्या फिल्म को अब की बार भी लोगों से उतना ही प्यार मिल पाता है या नहीं। अगर फिल्म में हमें हेरा फेरी वाली कास्टिंग ही देखने को मिलती है तो फिल्म काफी सुपर हिट होगी और जिस तरह से अक्षय कुमार की बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप हो रही है उन्हें भी ऐसी फिल्मों की जरूरत है जो उन्हें दोबारा से इंडस्ट्री में बैक करवा सके। बाकी दोस्तों इसी के साथ वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।